हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फोर्थ मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी काफी अच्छी रही और उन्होंने अफगानिस्तान के शुरू के 5 विकेट बहुत ही जल्दी गिरा दिए। अफगानिस्तान का पहला विकेट 0 रन पे गिर गया, उसके बाद 5 पे, फिर 56 पे, फिर 75 पे और इस प्रकार 5वां विकेट उनका 77 रन पे ही गिर गया था। मतलब कि आधी टीम उनकी 77 रन पर पवेलियन जा चुकी थी, जिनमें मेन मेन प्लेयर्स शामिल थे। मोहम्मद शहजाद 0 रन पर ही आउट हो गए 3 बॉल खेल के। हजरतुल्ला 0 रन पर, रहमत ने काफी संघर्ष किया और 43 रन बनाए 60 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से। साहिदी ने 18 रन बनाए 3 चौकों की मदद से, लेकिन वह भी स्टंप हो गए। नाबी 7 रन पर रन आउट हो गए। नायब ने 31 रन की कप्तानी पारी खेली, वो भी ऐसे मोड पर जब उनकी आधी टीम 77 रन पर पवेलियन जा चुकी थी। नाजीबुल्ला 51 रन बनाए और काफी संघर्ष किया अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने के लिए। रशीद खान ने धुआंधार पारी खेली और 11 गेंदों पर 27 रन ठोक दिए 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। दौलत जदरान 4 रन पर आउट हुए, मुजीब 13 रन पर बोल्ड हुए और हमीद 1 रन पर नोट आउट रहे। इस प्रकार पूरे 50 ओवर भी ना खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम 38.2 ओवरों में 207 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 गेंदबाजों से बॉलिंग कराई, जिसमें स्टार्क ने 7 ओवर में 1 मैडन देकर 31 रन पर 1 विकेट लिया। पैट क्यूमिंस ने 8.2 ओवर डालते हुए 40 रन देकर 3 विकेट लिए। कोल्टन नाइल ने 8 ओवर में 1 मैडन देके 36 रन देके 0 विकेट लिया। स्टोइनिस ने 7 ओवर में 1 मैडन 37 रन और 2 विकेट लिए। जंपा ने हालांकि थोड़े महंगे पड़े, लेकिन उन्होंने 8 ओवर में 60 रन दिए और इसी के साथ उन्होंने 3 विकेट लिए। इस प्रकार अफगानिस्तान की टीम 207 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने 208 रनों का टारगेट रखा। 208 रनों का पीछा करते हुए जब ऑस्ट्रेलिया टीम क्रीज पर उतरी तो उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी कि वह किसी भी हाल में यह मैच उस मोड़ तक भी नहीं ले जाएंगे कि उन्हें लास्ट में संघर्ष करना पड़े या वह 50 ओवर तक खेले। उन्होंने एक तेज पारी खेलते हुए जल्द से जल्द इस टारगेट को प्राप्त करने की सोची, जिसमें कप्तान फिंच ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 66 रन बनाए 49 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। उसके बाद वार्नर, जो कि लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 89 रन बनाए 114 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से। ख्वाजा 15 रनों पर LBW हो गए रशीद खान से। स्मिथ 18 रन बनाए और मैक्सवेल लास्ट में 4 रन पर नॉट आउट रहे 1 चौके की मदद से। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने अपना 208 रनों का टारगेट 34.5 ओवर में 209 रन बनाकर 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और यह मैच 7 विकेटों से जीत लिया। अफगानिस्तान की बॉलिंग ठीक रही, लेकिन वह स्कोर ही इतना कम था कि वह इस मैच को जीतने में नाकामयाब रहे। मुजीब ने 4.5 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट लिया। हमीद ने 6 ओवर में 2 मैडन निकालकर 15 रन दिए, विकेट 0। दौलत जदरान ने 5 ओवर में 32 रन, विकेट 0। नायब ने 5 ओवर में 32 रन 1 विकेट के साथ। नाबी ने 6 ओवर में 32 रन, विकेट 0। राशिद खान ने 8 ओवर में 52 रन, विकेट 1। और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 7 विकेटों से अपनी झोली में डाल लिया। दोस्तों, अफगानिस्तान ने काफी संघर्ष जरूर किया, लेकिन वह इस मैच को हार गए और ऑस्ट्रेलिया, जो कि 5 बार वर्ल्ड कप ले जा चुकी है, वह इस मैच को आसानी से जीत गई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या अफगानिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में कोई उलटफेर कर सकती है आपके हिसाब से, और ऑस्ट्रेलिया क्या 6ठी बार वर्ल्ड कप को ले जाने में कामयाब रहेगी। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।